मध्य प्रदेश के रीवा जिले में लगातार हो रही सड़क दुर्घटना को रोकने के प्रति जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। पुलिस कंट्रोल रूम के बाहर लगाए गए शिविर में स्कूली विद्यार्थियों को डीआईजी नवनीत भसीन ने सड़क सुरक्षा का पाठ पढ़ाया। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। एक्सीडेंट होने वाले डेथ को कम करने के लिए इस वर्ष के प्रारंभ से ही हमने उस अभियान को और तीव्र करने का निर्णय लिया है, जिसके अंतर्गत न सिर्फ कई जगह पर ट्रैफिक इंजीनियरिंग से हम लोग सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं, अपितु आम जन से जुड़कर जन जागरूकता के प्रयास कर रहे हैं। इस पूरी प्रक्रम में बच्चे हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण कड़ी हैं, अतः आज सभी बच्चों से संवाद किया गया नववर्ष के उपलक्ष्य में, और इसके साथ साथ 5 ट्रैफिक रथ जागरूकता के लिए रवाना किए गए, जिससे कि पूरे जिले में हम ट्रैफिक जागरूकता के प्रयास अपने और तीव्र कर सकें और एक्सीडेंट से होने वाली मृत्यु की संख्या को कम कर सकें। सर, बच्चों से क्या कुछ अपील की है आप लोगों ने? बच्चों से आज हमने 2 अपील की हैं। पहली कि वो अपने घर में अपने जो भी परिवार के मेंबर बाइक चलाकर जा रहे हैं, स्कूटर से जा रहे हैं, उनको हेलमेट लगाने के लिए प्यार से टोकेंगे, उनको याद दिलाएंगे, और जिनके पेरेंट्स 4-व्हीलर चलाते हैं उनको अपने बच्चे सीट बेल्ट लगाने के लिए उनको हमेशा याद दिलाएंगे, स्मरण कराएंगे, जिससे कि हमेशा आप लोगों को बच्चों को भी ट्रैफिक के लिए अभी से एक उनके दिमाग में रहेगा कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही याद बच्चे दिलाएंगे तो बड़ों को एक लगेगा कि बच्चे हमको उस चीज़ के लिए याद दिला रहे हैं, तो कितनी महत्वपूर्ण चीज़ है और हमको इसको नहीं भूलना चाहिए।